कैसा लग रहा है आपको? Awesome. भाई यहाँ पे ना अलग ही ट्रिप लग रही है. अभी हम पहुंच चुके हैं लोहाजंग में. ठीक है, टाइम हो रहा है 8:30. तो बेसिकली यहाँ से जो रास्ता है वो है भैरवताल का, ठीक है, और जो ये वाला रास्ता है वो है रूपकुंड का. ठीक है, और यहाँ पे वैसे रहने की काफ़ी जुगाड़ है, कर सकते हो स्टे वगैरह. तो अगर ऋषिकेश से डायरेक्ट अगर हम लोहाजंग आएंगे तो यहाँ पे रूम फैसिलिटी हो जाएगी, बट मेक श्योर कि शाम से पहले आए क्योंकि रास्ता बहुत भयंकर है. बाकी यहाँ पे खाने वाने का सीन है. तो अभी हमारा जो फर्स्ट ट्रैक है वो है लोहाजंग से ब्रह्मताल का, जो कि है शायद 12 से 13 किलोमीटर. अभी हम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन जैसे जैसे चलेंगे पता लग जाएगा कि है कितने किलोमीटर. स्टार्टिंग में थोड़ी सी चढ़ाई थी, मतलब 50-100 मीटर की. अभी रास्ता बिल्कुल प्लेन है, ये भी सही है, ऐसा रास्ता सही रहता है. मैं बंदे की स्ट्रेंथ जाने लगती अब मज़ा भी आता है. बाकी मौसम वहाँ से बादल काफ़ी भयंकर हो रहे हैं. वो पीक जिस जो लोकेशन में हम जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मताल है, वो जो कि टॉप है, वहाँ से काफ़ी पीक सीखते हैं. देखो क्या क्या पीक सीखते हैं, काफ़ी वीडियोस में देखा है, अभी लाइव देखेंगे. I'm stuck on repeat. I see the same sky as every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles.
तो अभी तो सगाई हुई ना, शादी तो आपकी बाद में होगी ना, शादी अगले साल ना, आने वाले अभी जॉब आएगा, जॉब आएगा 6 महीने में। ये मतलब ये भेड़ वगैरह सब आपकी है या फिर मतलब ये गांव वालों की? ये क्या आप चराने लेके जा रहे क्या? और जो बेकन थाली वो बना मतलब पहले से ही है? हाँ, उसमें उसको उनको भगवान ने अमर की गाथा दे रखी थी, बल्कि तुम किसी के पास मत बताना कि मैं वहाँ था, तुम अमर हो गए। एक तो बोला था, बोला अपने बदन पे मत देखना, हम उसी पानी को पीते हैं। फिर बोला था बाबू पीछे मत देखना और ये बात किसी के पास मत बोलना। तो जैसे वो यहाँ से निकले होंगे तो यहाँ जाके थोड़ा सा अपने बदन पे देखा तो जो सोने का वस्त्र था वो पूरे कपड़े पहना दिए होंगे, और पीछे देखा तो जो उनको गाय भैंस बकरी जो भी दे रखा था पीछे देखने के बाद वो सारे पत्थर बन गए। वो पत्थर अभी जैसे कि वैसे हैं। किधर है भी है? हाँ, हमारे गांव में है। अच्छा, यहाँ से गांव गए ना, हम उसी पानी को पीते हैं। तो फिर घर गया, होता ही है, अधिकांश लड़कियाँ जिद्दी होती, भले हम लड़कियाँ हैं लेकिन लड़कियाँ जिद्दी होती। तो उनकी बीवी ने पूछा होगा कि तुम कहाँ थे, तो एक बार चुप रहे, दो बार चुप रहे, तीन बार चुप रहे। तो बाद में उनकी बीवी ने परेशान किया तो बुड्ढे ने बता दिया कि मैं वहाँ तालाब में उसी समय भर गए थे। अच्छा, मतलब कि जैसे कुछ बोले हुए पहले से ऐसी हाँ, था पहले से ऐसी होगा। और जो ब्रह्मताल है उसका क्या स्टोरी? उसका तो क्या है कि उसमें ऐसे उसका भी ऐसी कुछ है कि ब्रह्मा जी कहीं से आए थे ना, तो वहाँ पे अपना पाठ पढ़ रहे थे या कुछ ऐसी है उसका भी। हाँ, यही है उसका भी, कुछ लिख रहे थे तो वहाँ पे, वो तो ब्रह्मा जी के आने के बाद बनी वो ताला। वो तो हमने मैंने मतलब देखा ना मतलब नेट वगैरह में कि उसमें वहाँ पे ब्रह्मा जी ने वो करते हैं तप वगैरह, वो हाँ तपस्या वगैरह। तो उन्होंने ऐसे जैसे हम पन्ना पलटते थूक से तो वहाँ पे हल्का सा पानी का बूंद होगा या कुछ होगा, हम देखा हमने भी नहीं, हम नेट पे हर कोई चीज सही। हाँ, वो तो खैर है। हाँ, तो वो बूंद निकालने के बाद तालाब तब बनी वो। अच्छा, नहीं वैसे लोकल्स को भी पता होता है ना स्टोरी जो होती है। इससे पहले भी किए होंगे अपने ट्रैक? हमने कर रहे, 5 केदार भी कर रखा है हमने। अच्छा। नाग टिब्बा वगैरह कर रखे हमने, गंगोत्री वगैरह। तो दीदी यहाँ से वो कितनी दूर है वो जो विकलताल? हाँ, 100 मीटर पे, यही पे जो धार दिखी ना इसी के पीछे, इसीलिए तो कैंप यहाँ लगाया गया। नहीं तो कहाँ पे उस साइड? हाँ, जो ये दिख रहा ना ये धार इसी के पीछे। अच्छा,
लग रही है। बारिश चल रही है कंटिन्यूसली, कम से कम आधा घंटा हो गया कि बारिश हो रही है, लेकिन कैंप बढ़िया है तो इसलिए बारिश का पता नहीं चलता। बढ़िया हो रखा है, गाने वाने सुन रहे हैं, मस्त हो रखा है। बारिश कंटिन्यूसली इसलिए चल रही है क्योंकि भाई मौसम हो चुका है ख़राब, देहरादून वगैरह हर जगह हो रखा है रेड अलर्ट। बस हम चाह रहे कि बारिश जल्दी जल्दी रुके ताकि हम ताल देखने जाएं, नहीं हुआ तो कल जाना पड़ेगा। बस कल यही सोच रहे कि बस कल बारिश ख़त्म हो जाए ताकि ट्रैक बढ़िया तरीके से हो जाए, नहीं तो रुकना पड़ेगा। तो टाइम हो रहा है अभी रात के 8 बजे और हम यहाँ से कैंप लगाया, उसके बाद ऊपर गए गए ही नहीं क्योंकि बारिश लगी रही थी। तो हमने बैंक वाली नाइफ ली कम से कम 1.5-2 घंटे की। अभी हम उठे ज़रा पानी वगैरह लेके आए, अभी मैगी बन रही है। अभी यही आज हमारा टैकलमेंट होगा, भाई कुछ कहना चाहोगे? यार फीलिंग ऑसम यार, बारिश हो रही है लेकिन अभी मज़ा आ रहा है यार, बारिश में भी डरना नहीं है गाइस, सरेंडर नहीं करना। बाकी बड़ी भयंकर मौसम हो रहा था, केड़ा अभी 2-3 हमने 2-3 फोटो खींची है कैंप की। मैगी बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी हो रही है, वाओ। अब आप खा के बताइए वो लगी कैसी है। रात भर बनता रहेगा खाना कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मौसम ऐसा है खाना बसता रहेगा, यहाँ का पानी ऐसी है। गाइस हमारे कैंप की क्या हालत है, ये रिटर्न डे में सपोर्ट लगा रखा है क्योंकि इतनी भयंकर हवा चल रही है रात भर, कल शाम के 6 बजे से अभी सुबह के 8 बज रहे, बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, हालत कुछ ऐसी है टेंट की तो क्या ही बताए, हालत ख़राब हो गई है। मोने भाई बिल्कुल चुप पड़े हुए, हम भी लेटे हुए कि कब बारिश ख़त्म हो कब हम जाए, लेकिन ये है कि अरे अरे इंद्रदेव बारिश पर रोक दो। बहुत भयंकर बारिश हुई थी रात को, रात को इतनी भयंकर हुई थी कि टेंट पूरा हिल रहा था गंदा ही वाला। बट फिर मैंने सुबह ये लगाया डंडिया, तब जाके कुछ हुआ, सपोर्ट मिल रहा है उसे। ओ है ये डंडिया ट्रैक पे भी काम आई, कैंप पे भी आए, तो गाइस डंडी लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वहाँ पे वाली नहीं थी, दूसरी वाली जो होती है ट्रैकिंग वाली उसमें तो नोकीली सी होती है, ये बेचारी काम आ गई है। देखो हमारी लाइट भी कड़ी लटक रही है, ओ भाई बड़ा भयंकर, ये अलग ही ट्रिप थी भाई। अरे बाहर जाने दो, आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड। ओ देखो कहीं से कुछ गिर रहा है, गिर रहा है। हवा का रुख बदल दे भाई, हवा का रुख बदल दो यार। अब यार एकदम ना बारिश, एकदम ना रेनकोट लाए ना कुछ लाए, ना विंडचीटर टाइप का है। अगर हम वापस जाएंगे भी तो भीग जाएंगे यार, बारिश कम होने का कोई नामो निशान नहीं है। तो अभी हमने बाहर गया जरा पानी वानी लेके आया, भाई कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहे हैं क्योंकि इसकी इट इज़ मच नीडेड क्योंकि भाई भयंकर हालत हो रखी है। कैप पे भी पानी आ रहा है उस साइड से, देख वहाँ से विजिबल होगा नहीं होगा, टेंट भयंकर हो रखा है क्योंकि बारिश भयंकर आ रही है, हमने जुगाड़ करके अटका रखा है। कॉफ़ी पी रहे भाई क्योंकि चाहे कुछ भी, चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए यू वॉक। देख रहे हो गाइस क्या हुआ है, ये देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं हमारे साथ। अरे यार देखो 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 देखो, ओ अरे भाई ये गिरे ना यार, देखो 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 देखो, आराम से कंडीशन से ऐसे रिजॉल्व करनी होती है।
हिम्मत नहीं हारनी गाइस, you know, face different kind of consequences and you have to resolve each and every kind of consequences, buddy. But that was the adventure for this. हाँ ये कैंप के अंदर भी पानी घुस गया यार, पता नहीं क्या होगा।